आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल चना दाल, बहुत ही यूनिक और आसान तरीके से। ये दाल आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी और आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत पसंद आएगी। एक बार इस दाल को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे अंदाज में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। झटपट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कप चना दाल ली है और एक चौथाई कप हमने मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल आप छिलके वाली ले लें या बिना छिलके वाली, दोनों ही ठीक रहेंगे। और अब चना दाल और मूंग दाल को एक बोल में डाल दीजिए। और हमें इस दाल को भिगोना नहीं है, ना ही इसे कोई हमें 2-3 घंटे के लिए फुलाना है। इसे बस अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसके बाद हम थोड़ी सी ये सब्जियां कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है टमाटर। टमाटर को आप इस तरीके से कट कर लें। तो इसके हम कई टुकड़े नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टुकड़े कर लेंगे। तो इस दाल को बनाने के लिए आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चॉपिंग नहीं करनी पड़ती है। और ये देखिए 3 प्याज मैंने ली हैं, इसे भी मैंने 2 टुकड़े में कट कर लिया है। अब हम ये हरी मिर्च ले रहे हैं और हरी मिर्च को इस तरह से बीच से इसमें चीरा लगा दें। इस तरीके से जब हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छे से दाल में आ जाएगा। और अब कुकर ले लेंगे और कुकर में ये जो दाल हमने वॉश करके रखी है इसे हम डाल देंगे। तो ये लीजिए दाल हमने इसमें डाल दी है। दाल को अच्छे से कुकर में फैला दीजिए और जो टमाटर हमने कट करके रखे हैं इसे भी इसी तरीके से डाल दीजिए और प्याज को भी इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। हरी मिर्च को भी डाल दीजिए। साथ में ही हम ले रहे हैं कुछ मसाले। तो मैंने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, डाल देंगे। एक बड़ी वाली इलायची डाल देंगे और 2 लौंग डाल देंगे। साथ ही 1 तेज़पत्ता भी डाल देंगे। इन सभी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 2.5 कप पानी। तो पानी आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो पानी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब दाल हमारी पक जाएगी। अभी ज़्यादा पानी डालेंगे तो बाहर पानी निकलने लगता है हमारी सीटी से, इसलिए पानी अभी हम कम ही डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ढक्कन लगा करके गैस पर चढ़ा देंगे। दोस्तों, इस पे मैं धीमी आंच करके 7 से 8 सीटी आने तक पका लूँगी, क्योंकि चना दाल पकने में थोड़ा सा समय लेती है। तो चलिए फिलहाल इसे पकने देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, 7 से 8 सीटी आने के बाद में इसका प्रेशर मैंने नहीं निकाला है, अपने आप से जब निकल गया है इसके बाद मैं इसे खोल रही हूँ। तो ये देखिए, दाल तो हमारी पक चुकी है और जो हमने मूंग की दाल डाली थी उससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो ये देखिए, अब इसमें जो खड़े मसाले हमने डाले थे उसे निकाल देंगे, क्योंकि ये जब मुँह के अंदर आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो तेज़पत्ता, इलायची, लौंग जो भी डाला था उसे निकाल देंगे और टमाटर का जो छिलका है उसे भी निकाल लेंगे, क्योंकि छिलका गलता नहीं है और मुंह के नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो छिलका और मसाले सब हम निकाल लेते हैं। अगर आपको पसंद आता हो खड़े मसाले तो आप इसे ना निकालें, इसमें ही पड़े रहने दें। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिया है और अब इसके बाद दाल को इस तरह से चलाते हुए चम्मच से थोड़ा सा हम दबाते जाएंगे इसके कुकर के साइड में। तो इससे क्या होगा कि जो दाल है हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, टमाटर, प्याज, मिर्ची सब आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उससे पहले इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो इसमें करीब 1.5 गिलास पानी मैं और डाल रही हूँ, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि जो पानी आप डालें वो गर्म पानी ही डालें, ठंडे पानी का इस्तेमाल इसमें ना करें। अब इस दाल को हम गैस पर फिर से एक बार चढ़ा देंगे और इसके बाद इस पे हम डाल देंगे 1 कच्ची कैरी। ये छोटे साइज की है, इस समय सीजन है तो ये डालेंगे, इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप
जो सूखा वाला अमचूर पाउडर आता है उसे डाल दीजिए। और अब ये मैंने कूट कर रखा हुआ था लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, इसे भी डाल देंगे। कूट कर जब आप डालते हैं ये मसाले तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चूँकि हमने कच्ची कैरी डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है, तो इसे हम 2-3 मिनट ढक्कन लगा के और पका लेंगे। लेकिन ढक्कन की हम अब सीटी नहीं लगाएंगे, बस ऊपर से ऐसे ही रख देंगे और आँच को धीमी कर देंगे। और ये देखिए 2 मिनट के बाद दाल जो हमारी है वो अच्छे से पक तो गई थी पहले ही, और जो कैरी है वो अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद करके नीचे उतार लेते हैं। चलिए दाल को उतार कर नीचे रखते हैं, इसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये लीजिए दाल को मैंने नीचे रख दिया है, और अब दाल में जो हमने कच्ची कैरी डाली थी वो ये देखिए इस तरीके से प्रेशर कुकर के साथ इस तरह से स्पैचुला से आप दबाएंगे तो ये कैरी जो है ये इसमें पीस जाएगी। तो कुछ टुकड़ों को आप इस तरह से दबा के मसल लीजिए और कुछ टुकड़े इसमें ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है गैस पे, उस पर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और थोड़े से लहसुन और अदरक के लच्छे डाल देंगे, 3-4 लाल मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ना पकाइएगा नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। और गैस को धीमी ही रखिएगा। और अब इसमें 1 टेबलस्पून हम कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों में रब करते हुए इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसको डालने से तड़के का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और अब इस तड़के को हम दाल में इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद जल्दी से हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तड़के का जो धुआं है वो दाल में अच्छे से समा जाए और दाल का टेस्ट 4 गुना हो जाए। तो अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो देखिए लग रही है ना बिल्कुल टेम्पटिंग दाल हमारी, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। सारी चीज़ों को हम पहले से कुकर में ही पका लेते हैं और बस तड़का लगाना इसमें रह जाता है। तो इसे भरवा मिर्च और प्याज के साथ मैंने सर्व किया है। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे और देसी घी डालना तो बनता है भाई। अब बताइए आपके मुंह पे पानी आ रहा है या नहीं, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। तो दोस्तों इस दाल को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक दाल बनेगी। तो अब आपको ये दाल खाने के लिए ढाबे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही इसे बनाकर पूरे परिवार के साथ में खाइए। आप इसे रोटी चपाती या चावल के साथ में किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।